शिवेश बोल रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग रूम पे हैं। अच्छा अच्छा निकले नहीं है क्या? नहीं वो क्या क्या बात हुआ मुझे तो पता भी नहीं है। पैसा वैसा भेज दिए पूरा आपको आपका, तो वो बोल रहे हैं कि अभी अब भैया दिक्कत हो गया, थोड़ा लेट निकलेंगे, लेट पहुँचेंगे। बताइए अभी अब 4 बजने वाला है, 4 बजा भी नहीं। 4 बजे बताइए, अगर कोई 4 बजे मतलब 4 बजे कल्लू जी मंच पर आएंगे 11 बजे, तो आपको 5 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा आने में, हार्डली 1 घंटा और एक्स्ट्रा रखते हैं। 7:45 11 बजे 7 घंटा में आप 11 बजे पहुंच जाइएगा मंच पर, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 7 घंटा का टाइम है आपके पास, निकल जाइए। प्रोग्राम में नहीं पहुंचते हैं ना? हां क्या बोले क्या बोले? प्रोग्राम में नहीं ना पहुंचते हैं। अच्छा बताइए, पूरा पैसा आप ले लिए तब आप बोलते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये कौन सी बात हुई माही जी? आप माही बोल रहे हैं कि मनीषा बोल रहे हैं? माही जी बोल रहे हैं। अब बताइए, सब तो गलत ना है, पैसा पूरा दे दिया गया है, उसके बाद अब आप अभी कहिएगा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे आपको। अच्छा हाँ बोलिए ना। हेलो नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया। अब बताइए, ये सब गलत बात है ना? कल्लू जी और भी आ रहे हैं सब कोई। गलत बात नहीं है ये, गलत देखिए हम ऐसे नहीं, क्या होता मार्केट खराब होता है, ठीक है? आप क्या? मार्केट खराब करने का ये है, अच्छा इसमें है? मार्केट क्या खराब करने की बात है माही जी? मार्केट खराब ही ना हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप 5 बजे भेजिएगा क्या बोलते हैं पैसा? 5 नहीं बजा अभी, 3 बजे भेजे आपको पैसा माही जी, प्रूफ है मेरे पास, ऐसा थोड़े। अच्छा भाई पार्टी पैसा देगा तभी ना, आपका डिमांड भी तो पैसा ज्यादा लगता है आपको करने में बुक। ऐसा नहीं होता, सब जगह हम पहले ही देंगे, तो हम लोग को ही नहीं पता था कि पूरा पेमेंट आप लेके ही चलते हैं। पिछले बार भी 15,000 रखे हुए थे, तब आप आए थे दिए थे आपको, पहले नहीं दिए थे, बाद में आपको फिर दिए थे पैसा, तब आप जब जा रहे थे तब दिए थे, जाने से पहले। अच्छा अच्छा ये बताइए, आज तक आपका पैसा रखे हैं 1 रुपया भी हम? ये बात नहीं है, रखने की बात नहीं है, आप तो? पहले पेमेंट भेज देते हैं, ठीक है? तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग अभी टाइम पे अभी जानते हैं भसावन का टाइम है, पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा जाम। हम लोग अभी पता है कहाँ है? मधेपुरा में रात प्रोग्राम था, मधेपुरा होटल में। अभी हम अब यहाँ से निकलेंगे हम तो वहाँ पहुँचेंगे, मेरे यहाँ से 200 से ऊपर किलोमीटर है, और बताइए हम जाएंगे तो हम भी तो पहुँचेंगे, हम भी तो जाएंगे। क्या बोले? यहाँ से तो बहुत दूर है, आपके यहाँ से 250 किलोमीटर आपके यहाँ से भी है। हम लोकेशन देखे हैं, हम लोकेशन देखे हैं 250 किलोमीटर। आप कितना देर, आपको 5 घंटा हार्डली नहीं लगेगा, 4 लाइन से आप आइएगा, आप 9 बजे तक पहुँच जाइएगा। नहीं भसावन चल रहा है। हाँ तो भसावन तो मेरे लिए भी है ना, हम मधेपुरा से निकलेंगे तो मेरे लिए भी तो भसावन है, हम दोनों आदमी के लिए तो सेम बात है। कल्लू जी भी तो है, कल्लू जी पटना नहीं पहुँचे अभी तक, कल्लू जी अभी फ्लाइट में चढ़े हैं, अब उतरेंगे वो 6 बजे के बाद, तब वो चलेंगे पटना से, तो भसावन तो उनके लिए भी होगा। नहीं होगा, आज 10वीं का टाइम है, भसावन उनके लिए भी होगा, भसावन शिवेश मिश्रा के लिए भी होगा, भसावन आपके लिए भी होगा, सबके लिए होगा ना। वही होता है जो मेरा पेमेंट भी पहले हो जाना चाहिए, हमको टाइम से पहुंचना है। पेमेंट आपको 3 बजे तक हो गया था, गाड़ी सुनना ना पड़े। हाँ कोई बोले। अच्छा आप जानते हैं माही जी, एक बात जानते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, दुनिया में हम लोग जो जितने भी कलाकार हैं, जो भी कलाकार आते जाते हैं, पेमेंट सबको कोई बाद में कुछ मिलता है, कुछ 70% 75% पहले मिल जाता है, उसके बाद ही मिलता है प्रोग्राम में पेमेंट। नहीं तो देखिए मेरा प्रोग्राम जब लिखा जाता है ना तभी बता दिया जाता है। अच्छा अगर करना है तो भाई करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत। हाँ तो हमको बोला गया था कि पेमेंट सर पैसा आप दीजिएगा तभी हम लोग आएंगे, तो पैसा हमने 3 बजे तक दे दिया, आप 3:30 बजे तक निकल जाते हैं, अब 4 बज रहा है। देखिए सर 3 बजे आप ये आया बोलने के लिए मेरे को। अच्छा अच्छा एक बात बताइए माही जी, प्रोग्राम में पैसा सबको देना पड़ता है, एक आप इकलौते कलाकार होते तो आपको पूरा पेमेंट देकर भेज देते पहले ही, सबको देना पड़ता है, सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, आप जानते हैं ना इस बात को। अच्छा बताइए अगर आपको बोल दिया गया जो पहले 4 डांसर ऑलरेडी पहले हैं यहाँ पर, यहाँ 4 डांस करने के लिए और ऑलरेडी हैं लोग पहले यहाँ पर, आप आइएगा तब तो 4 डांस और पहले, आप दोनों बहन ही केवल नहीं है, हमारा प्रोग्राम जब भी होता है तो हम एक्स्ट्रा में रखते हैं लोगों को, हो सकता है लेट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप आइएगा तो 4 घंटा आप प्रोग्राम करिएगा, आप जब से मंच पर चढ़िएगा, आप जब से मंच पर चढ़िएगा तब से प्रोग्राम करिएगा, तो बात इसमें कहाँ है कुछ भी ऐसा। नहीं ना पहुंचे,
छूटना है 8 बजे सुबह में क्या छूटिएगा आप समय से छूटिएगा 4 घंटा आप मंच पर रहिएगा जब भी आप जाइएगा तो उसके बाद मंच पर चलिएगा 4 घंटा रहिएगा बात खत्म है जय बजे आप फुर्सत हो 6 बजे तक प्रोग्राम हम लोग का चलता नहीं है तो आप 8 बजे कैसे फुर्सत होगा आपको सो बताइए 5 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाता है हम लोग का 4 से 5 के बीच में तो आप उतना देर कैसे रहिएगा हाँ तो हाँ तो टाइम से आप 12 बजे चढ़िएगा 12 से 4 करिएगा उसके बाद आप चले जाइएगा और कुछ मेरा कल भी शो है ना कहाँ कल तो मेरा भी शो है आपका कहाँ है शो कल आपका एक ही शो होगा ना मेरा दो शो नहीं 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 हमारा आप ठीक है आपका 2 शो है तो 1 शो छोड़ दीजिएगा कल्लू जी वाला आज क्या आज शो छोड़ दीजिएगा तो गलती है अरे वाह मान लीजिए पैसा हम दे दिए तो गलती हो गया फिर मेरा नहीं आप देखिए आप भेजिएगा 5 बजे हम निकलेंगे अभी 5 बजे नहीं भेजे मैडम टाइम देखिए आप अभी भी 4 नहीं बजा है झूठ नहीं बोलिए आप 4 अभी भी नहीं बजा है हम 3 बजे भेजे हैं आपको 55 मिनट पहले मेरे पास प्रूफ है सारा गाली का है पार्टी को ले लाइन पर पार्टी बोल रहे हैं आने के लिए आपको पार्टी सब लोग अपने लोग हैं पार्टी तो ऐसे ही बोलते हैं आने के लिए उसके बाद भी होता है वो अगला जानता है सबको सबको एक ही जैसा आप मान लिए सबको गाली देता है इसका मतलब सबको थोड़े ना गाली देता है उस मंच पर ना सुनिए माही जी किसी पर भी किसी पार्टी को गलत इल्जाम मत लगाइए आप कलाकार हैं आप सबको गाली नहीं देता है पार्टी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं कलाकार का सम्मान करना अभी भी बचा हुआ है हमारे बिहार यूपी में झारखंड में जहां सम्मान होता है कलाकारों का जानते हैं बचा हुआ है ये नहीं अगला वो नहीं समझता है आपको तो पैसा हम दे न दिए हैं आप 12 बजे तक आइए चाहे 1 बजे रात तक आइए आपको आना तो पड़ेगा ना फिर 5 बजे का नाम ले रहे हैं आप अपना दिन का प्रोग्राम दो प्रोग्राम आप दो प्रोग्राम मारने के चक्कर में मेरा प्रोग्राम रात का छोड़ दीजिएगा बोलिए आप देखिए नहीं ये कौन सा ये हुआ पता है आपका नहीं ये गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है जो आप बोल रहे हैं सो आपका ये गलत काम है पता है क्या बोलिए ना ऐसे प्रोग्राम नहीं करवाता है कोई हमको जैसे आएगा वैसे ही करवाएंगे माही मनीषा जी हाँ आपको हम प्रोग्राम में बुक किए ठीक है हाँ ठीक है हम आपको बोलने क्या हम 5 बजे पैसा भेजेंगे आपको बोलेंगे कि अभी चलिए आप आइए 12 बजे पहुँचिए यहाँ पे आप सुबह प्रोग्राम कीजिए 4 घंटा हमको जब आप बोलिएगा ना तब आएंगे प्रोग्राम करने पैसा देने के बाद एक तो पहली बात है कि इंडस्ट्री में कोई आदमी कोई कलाकार पूरा पैसा लेके नहीं जाता है प्रोग्राम करने आप दोनों बहन को छोड़कर समझे जो भी कलाकार हैं सब कोई पैसा कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं बाद में आते हैं तो लेते हैं या पहले आते हैं मंच तक पहुंचते हैं मंच पर बोलते हैं कि मंच पर चढ़ेंगे उससे पहले पैसा चाहिए तो उनको पैसा मिलता है सब लोगों का अलग अलग ढंग होता है आप ऐसे बोलिएगा तो ये कलाकार का सम्मान वाला बात नहीं है ना वही नाम करेंगे ऐसा तो है नहीं जो हम नहीं करेंगे नहीं इससे पहले आज ना आपका नाम हुआ है तो आप ऐसा बोल रहे हैं इससे पहले तो नहीं बोलते होंगे ऐसा आज शिवेश मिश्रा का प्रोग्राम है कल्लू जी का प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम में आपको मान लीजिए कि पेमेंट पहले चाहिए खेसारी भैया का प्रोग्राम रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं आप लोग प्रोग्राम करने तब कहाँ जाता है ये सब चीज सब कुछ ना आपको देखना चाहिए आप खेसारी भैया का प्रोग्राम में फ्री में जाते हैं कि नहीं करने प्रोग्राम हाँ खेसारी भैया के साथ हाँ अगर बोल देगा हाँ 5 लाख रुपया भी देंगे हाँ और प्रोग्राम करना बंद कर देंगे तो आप तो बोले थे कि हमको तो मान लीजिए गाड़ी भी जल गया 1 रुपया नहीं दिए खेसारी जी हमारा तो कुछ नहीं दिया हमको वो तो वीडियो बना कर देंगे तो इसका मतलब लोग हल्ला किया आपके बारे में क्या कि मतलब खेसारी जी प्रोग्राम फिल्म करती है खेसारी जी प्रोग्राम खाली फिल्म करती है वो अच्छा फ्री में उसका क्या बोलते हैं वो मेरा क्या ये है जो फ्री प्रोग्राम करेंगे तो वही चीज ना हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आप मान लीजिए इतना इतना बात क्या बढ़ाना आप फ्री में करते हैं कि पैसा ले करते हैं उसे क्या मतलब है अभी टाइम है निकलिए आप लोग और पहुंचिए समय से देखिए टाइम का बात नहीं है इतना बजे हम पहुंच के वहाँ पे गाली सुनने के लिए नहीं क्या है गाली सुनिएगा आप लाइन पर लें पार्टी को 1 मिनट आप लाइन पर रहिए थोड़ा लाइन पर रहिए काटिएगा नहीं फोन प्रोग्राम करवाते हैं क्या हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम करवाते हैं क्या दिक्कत है अभी पूरा वर्षा का माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में वर्षा का माहौल बना हुआ है फिर भी वो लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं बोलिए ना जो उनको 4 बजे पैसा
भेजे। हाँ बोले हैं उनको, हम बोले हैं कि हम 3 बजे पैसा भेजें, हम बोले हैं 3 बजे पैसा भेजें, मेरे पास प्रूफ भी है ना, फोन पे से भेजें आपको पैसा, सब प्रूफ है मेरे पास, कितने बजे भेजें आपको पैसा। तो बोलिए क्या जो इतना बजे वो लोग नहीं पहुँच पाएंगे, बोल दीजिए गोपालगंज से वो लोग आ रहे हैं। हाँ उनको बोले गोपालगंज से, अभी तो आपका लड़का मैनेजर जो है वो तो बात किए हैं उनसे, वो बोले कि सर हम लोग अभी गोपालगंज, तो कोई बात नहीं, वो बताने लगे रास्ता कि आप मुजफ्फरपुर आइए, 1.5 से 2 घंटा मुजफ्फरपुर रहिएगा, उसके बाद आपको आने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा में आप आ जाइएगा यहाँ जगह पर, मुजफ्फरपुर के बगले में है हम लोग का प्रोग्राम, 70 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से है मेरा प्रोग्राम। तो आप मुजफ्फरपुर से कितना दूर है? आज जाम लगेगा तो 7 घंटा लगाइएगा 4 घंटा से, और क्या 3 घंटा एक्स्ट्रा लीजिएगा, 11 बजे तक का टाइम दे रहे हैं आपको, प्रोग्राम पहुँचेंगे ना? हाँ 11 बजे पहुँचेगा, क्या दिक्कत है, हम लोग प्रोग्राम 10 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे के बाद शुरू करेंगे, 4 गो डांसर मुंह देखने नहीं आई है, वो लोग भी करेगी प्रोग्राम। अच्छा हम जाम में फंस गए तो उसके बाद कोई मायने नहीं रहेगा प्रोग्राम का आपका? काहे कोई मायने रहेगा, पूरा जाम आप भर रात थोड़े फंसे रहिएगा। अगर हम फंस गए तो क्या कीजिएगा? अगर आप फंस गए तो वीडियो कॉल पर दिखाएंगे लोगों को स्टेज पर से कि हाँ वो फंस गई है प्रोग्राम में, जाम में, आप जाम दिखाइएगा। बोलिए कोई ये सब का मायने नहीं रहेगा ना? हाँ ये सब मायने नहीं रहेगा, तब का आप 2 बजे तक आइएगा, रात में 2 बजे तक आइएगा आप, यही चीज अनुपमा यादव जी जो हैं हमारे प्रोग्राम में, 6 दिसंबर को मेरा 5 को एक्सीडेंट हुआ था और 6 को यही चीज किए थे वो, कि आ रहे हैं जाम में फंस गए, आ रहे हैं जाम में फंस गए और आई नहीं, लास्ट में बोले कि रूम शिफ्ट करने लगे हम लोग, और पता चला कि छोड़िए क्या पता चला, जाने दीजिए, नहीं करते इसलिए तो आपको बोल रहे हैं, अभी अभी इज्जत सम्मान तो हम लोग का दाव पर लगा है, वहाँ के पब्लिक का दाव पर लगा है इज्जत सम्मान। ठीक है मेरा बात सुनिए। हाँ बोलिए भाई, मन का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता, सबसे पहली बात ये है। ठीक है अच्छा, अगला की तरफ से हो जाता है लेकिन हम लोग प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते। हाँ तो हम लोग भी नहीं किए, आप आइए, टाइम से ही जाती है, टाइम से निकल जाती है, नहीं तो आप आइए ना, तो फिर दिक्कत क्या है, टाइम से आइए, टाइम से करिए, टाइम से जाइए, पेमेंट नहीं डाले आपको अभी तक पूरा, हम स्क्रीनशॉट फिर भेजें दोबारा, क्या 3 बजे आप पेमेंट भेजे, 3 बजे हाँ तो क्या हुआ, 3 बजे 3 बजे भेजेंगे, 3 बजे चलिएगा आप, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता मेरा प्रोग्राम, पूरा पैसा आप ले लिए हैं, ऐसा प्रोग्राम में नहीं, हम मेरा प्रोग्राम ऐसा नहीं होता, तो कैसे होता है थोड़ा बता दीजिए, तब सपना चौधरी की तरफ बुक करेंगे तब आपको, तब पहले ही पेमेंट होता, पहले ही तो कर दिया आपको, 3 बजे तक किए ना पहले, अभी तक पैसा बाकी है आपका, तो हमको बोल देते एक दिन पहले दीजिएगा तो आएंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं आएंगे, आप बोल देते कि 3 बजे तक दीजिएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, चाहे एक दिन पहले दीजिएगा तो आएंगे तो नहीं आएंगे, बोल दिए आपको, सब चीज सेट कर लीजिए, आप फोन किए थे पर्सनली, लड़का फोन कर रहे थे हमको, लक्की जो आपके मैनेजर है, पहले मान लीजिए हाँ, हमको ये नहीं बोले कि आपको एक दिन पहले नहीं दीजिएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये नहीं बोला गया था, हमको बोला गया था पेमेंट भैया प्रोग्राम पहले हमको चाहिए आपका, कल रात में भी आपको बोला गया, कल रात में हम लोग प्रोग्राम में थे, हम तो बातें नहीं हुआ हमसे, आज बात हुआ है उनका, आज एक दिन में अकाउंट में 1,00,000 रुपया ट्रांसफर होता है आदमी का, हम सारे कलाकार को दिए हैं एडवांस और आपको भी दिए हैं, जब तक 1,00,000 पूरा नहीं होगा तो फिर 1,00,000 पूरा हो गया तो कैसे भेजते, फिर आज भेजे हैं, मैनेज करके हम लोग भी भेजते हैं, क्या करें, लेकिन आज जो इज्जत जाएगा सब लोगों के सामने तब उसका कौन भरपाई करेगा, आप नहीं आइएगा पैसा लेके, आप पैसा मांगती हैं कि आप बोली पैसा हमको इतना चाहिए, आप बोले कि हमको, आप बोले कि हमारा पेमेंट 60,000 रुपया है, आप छपरा में 30,000 रुपया हम किए, हम कुछ नहीं बोले, इसमें तो मेरा ही ये हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, हम आज बैठे रहेंगे, लॉस का होगा आपका, आप लॉस कहीं सेटिंग कर लिए होंगे तब आप ऐसे बोल रहे हैं, कलाकार लॉस में जाता है, कलाकार लॉस में जाता है, सेटिंग कर लिए होंगे आप अपना कहीं, जैसा दूसरा कोई बोल रहा था ना, हाँ आप सही हैं, हम सही है ना, हम गलत नहीं बोल सकते हैं माही जी, हम गलत नहीं बोलते हैं, आज तक मेरे बारे में कोई नहीं बोलेगा किसी के 1 रुपया रख लिए, क्या बोले, नहीं गलत कर रहे हैं आप, क्या गलत कर रहे हैं, गलत इंसान ही आपको गलत हो, अच्छा ठीक है, एक सुनिए ना, सुनिए ना, हम इंसान गलत, हम इंसान गलत लग रहे हैं आपको, पार्टी से तो बात हुआ नहीं है, अच्छा रुकिए लाइन पर रुकिए, पार्टी का फोन आ रहा है लाइन पर रुकिए, पार्टी सुनिए ना, माही जी हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है, पार्टी का फोन आ रहा है लाइन पर रहिए थोड़ा, हाँ सर माही जी लाइन पर हैं, थोड़ा साइड होइए आप, हाँ सर माही जी को पैसा हम भेज दिए 3 बजे तक, ये बोल रहे हैं नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग गोपालगंज से आपके यहाँ समस्तीपुर,
माही जी आ जाइएगा आप 8 बजे में यहाँ पहुँच जाइएगा, 5 घंटा। सर मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए जी जी। इनसे बोला गया था एक दिन पहले पेमेंट मेरा आता, ठीक है जी जी। एक सप्ताह पहले ही पेमेंट का बात होता है, ठीक है, जो पेमेंट मेरा भेज दीजिए। इनको सुबह से मैं फोन कर रही हूँ क्योंकि अभी माही जी, माही जी प्लीज प्लीज माही जी, इसमें गलती हम लोगों का है, सुरेश भाई का नहीं है, इसलिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं आपसे भाई, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, हम कमी के अध्यक्ष बोल रहे हैं आपसे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि वेदर इतना खराब हो गया माही जी कि हम लोग कहीं से एक्सप्रेस हो गए, सारा प्रोग्राम कैंसिल करने का नौबत आ गया। उसके बाद हम लोग खुद लग के पंडाल ये किए और बैंक सारा बंद है माई जी, तो हम किसी न किसी तरह सुरेश भाई बोले भाई पैसा ट्रांसफर कीजिए, हम कर दिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अच्छा सर आप कितने बजे तक माही जी आप पहुंच जाइए, आराम से आप आ जाइएगा गोपालगंज, हमको देखा हुआ, हम मैनेजर में जॉब करते हैं। अभी 4 बज रहा अभी भसावन चल रहा आपके दरवाजे पे, हम आपसे पहले पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद आपके दरवाजे। भसावन कल है, आज नहीं है भसावन, सुनिए ना माही जी। ए सर सुनिए एक मिनट, माही जी भसावन आज नहीं है, पूरे दुनिया में दुर्गा में भसावन कल होता है सुबह में। आपको भेजते क्या ये? आज नौमी, आज दशमी है, लेकिन भसावन 2 बजे के बाद होगा। माही जी नहीं, है? नहीं आज नहीं है, कल है भसावन सुबह, कल है सुबह माही जी, आज दशमी है। एक मेरा रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री आदेश दिया है आज ही है, आप क्या? कौन मुख्यमंत्री आदेश दे दिया जी? कौन मुख्यमंत्री आदेश दिया माही जी, ऐसा नहीं है, नहीं है आज जी, नहीं कल जी, नहीं समझे, अगर आपके यहाँ कोई कर रहा है ये बात, हम लोग के यहाँ कल सारे जगह कल है विजयादशमी का भसावन, कल है आज विजयादशमी है। हाँ हो सकता है, ये हम नहीं बोल सकते कल तो, नहीं है माही जी, उधर सुनिए ना माही जी, सुना जाए ना, अगर आप 8 बजे के बदला 8:30 9 बजे तक ही पहुँचते हैं तब तक सुरेश रहा। अरे सर सुनिए सर सुनिए ना, हम इनको बोले माही जी सुनिए ना, हम सर को बोले, माही जी को बोले सर कि आप 10 बजे आइए, आप 11 बजे आइए, हमारा और कलाकार है, उसके बाद आपको मंच पर चढ़ाएंगे, तब भी नाराज हो रही है, नहीं आने के लिए तैयार है, पूछिए आप। माही जी प्रतिष्ठा हो जाएगा, हम लोग का काम होता है ना टाइम से पहुंचना, टाइम से छूटना, क्योंकि अरे अध्यक्ष से बात करवा रहे हैं आपको, मेला अध्यक्ष से बात करवा रहे हैं। माही जी आप इस बात को जान लीजिए कि आप 10 बजे 10:30 11 बजे तक मंच पर आइए। हम तो बोल ही रहे हैं सर, हम 12 बजे तक का टाइम दे रहे हैं इनको, और बोलिए आप। तब सुरेश भाई इधर हमारे पास कल्लू जी है, ज्योति माई है, चार डांस और हैं ग्रुप, वही ना, 4 डांस ग्रुप और है, ये सब चेकअप करेगा माही जी, उसके बाद हम आपको लाएंगे मंच पे। तो स्टार को स्टार की तरह चढ़ाते हैं मंच पे हम लोग। अच्छा ऐसे प्रोग्राम थोड़ी ना होता है, आप देख लीजिए ना, मैं तो एक साथ में काफी कि माही जी ये अगर कहीं से कोई फॉल्ट है तो हमें कमी है, सुरेश भाई में नहीं कमी है, इसलिए इसको संभालिए, प्रतिष्ठा बचाइए दोनों आदमी। देखिए हम तो इनको जानते हैं, ये हमको पेमेंट पहले नहीं डाले तो हम। अच्छा सुनिए माही जी, पेमेंट हमको सर भेजेंगे तब ना, अभी वो 3 बजे से पहले भेजे और हम आपको तब भेजे। जी हम अभी भेजे, इसको संभाल लीजिए माही जी, इस बार इसको संभालिए, आप भेजिएगा 8 बजे, उसके बाद बोलिएगा सलाहकार से चलने के लिए, तो ये 1 घंटा का रास्ता नहीं है, तुम तोड़ के पहुँचे। सुनिए ना माही जी, अच्छा सुनिए ना सर, हम अभी मधेपुरा में हैं, यहाँ से आपके आने में हमको कम से कम लगेगा 3-4 घंटा, लेकिन फिर भी हमको तो आना पड़ेगा ना, अभी पटना से साउंड लाइट चला है वो भी तो पहुँचेगा, सब कुछ लेट ही है, आप भी लेट आइएगा तो क्या दिक्कत है? अरे भाई अध्यक्ष मेला मालिक बोल रहे हैं आपको आने के लिए, तो फिर आप बोल रहे हैं लेट का प्रोग्राम, अपने मन से आपको लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आइए ना, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत का बात नहीं है, हम ऐसे नहीं करते हैं बस। अच्छा इसको संभाल लीजिए, ऐसे कोई अच्छी नहीं हो पाएगा, इसको संभाल लीजिए, आज भर कम से कम संभालिए। ठीक है तो हम बात करके बताते हैं जी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।